हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल की मोशन क्या होती है, क्या क्या एप्लीकेशंस आती है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो मोशन है या फिर जो रेस्ट है, सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए कि कोई भी पार्टिकल जो है एक अपनी स्थिर अवस्था में है या फिर स्टैटिक पोजीशन में है, तो वो उसकी पोजीशन कहलाएगी रेस्ट में। वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। तो रेस्ट एंड मोशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले बात करेंगे कि इन दोनों की स्टडी किस में की जाती है। ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स के अंदर इन दोनों की स्टडी की जाती है और आगे जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इन्हीं पर बेस्ड होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिक्स क्या है। व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट आर इट्स वेरियस सब ब्रांचेस। तो सब ब्रांचेस क्या है, मैकेनिक्स क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है, उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनके बारे में जो डील्स होती है, जो स्टडी होती है, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ये फिजिक्स की ओल्ड ब्रांच है एक। अब हम बात करेंगे कि सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स क्या क्या हैं। तीन ब्रांचेस यहाँ पर बताई गई है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसके स्टडी करना स्टैटिक्स में आएगा। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मोशन की स्टडी की जाएगी विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। इसका मतलब क्या है, मोशन की तो स्टडी की जाएगी लेकिन उसका कारण क्या है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन अगर डायनेमिक्स की बात करें तो वहाँ क्या होगा, मोशन की तो स्टडी की जा रही है लेकिन वहाँ पर कॉज ऑफ द मोशन ये पता होना चाहिए कि मोशन का कारण क्या है। तो स्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ द सेवरल फोर्सेस। वो सेवरल फोर्सेस के एक्शन में काम कर सकता है। और द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम जो मेजरमेंट है टाइम का वो एसेंशियल नहीं रखते हैं। काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। हियर मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल। डायनेमिक्स की बात करें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। तो बात क्लियर है यहाँ पर। स्टैटिक्स में हम बात करेंगे रेस्ट की और काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों में पार्टिकल की मोशन की बात होती है। लेकिन अगर मोशन का कारण नहीं पता है तो उसकी स्टडी हम काइनेमेटिक्स में करते हैं। मोशन का अगर कारण पता है उसको हम कंसिडर करते हैं तो वो स्टडी होगी डायनेमिक्स में। तो यहाँ बात क्लियर होती है व्हाट इज मैकेनिक्स एंड सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की, कि रेस्ट अलग से हम कैसे रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंटली हम इसको देखेंगे। देन हम बात करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो कैसे रिलेटिव है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्ट क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एंड टाइम। तो विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दो चीज़ें याद रखनी है। अगर सराउंडिंग एंड टाइम के साथ कोई भी पार्टिकल की अगर पोजिशन चेंज नहीं होती है तो वो पार्टिकल रेस्ट में कहलाता है। दूसरी अगर हम बात करें मोशन की, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ द पोजिशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। अगर उस पार्टिकल के सराउंडिंग एंड टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजिशन चेंज होती है तो वो पार्टिकल मोशन में कहलाता है। नेक्स्ट, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। अब बात आती है कि कैसे एक दूसरे को रिलेट करती है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती है। बिकॉज दे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स होती है। तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल लेके। So if two different observers are not at rest with respect to each other, अगर
दोनों के रेस्पेक्ट में वो दोनों ऑब्जर्वर क्या नहीं है, रेस्ट में नहीं है, देन दे टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, वो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे उन दोनों के ही व्हेन दे ऑब्जर्व द मोशन और द रेस्ट ऑफ अ बॉडी। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अ पर्सन ऑन अ प्लेटफॉर्म, ये जो पर्सन आपको डायग्राम में दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म पर है, देन एक यहाँ पर ये एक मूविंग ट्रेन में है, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ट्री इज एट रेस्ट, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जब ये ट्रेन के आउटसाइड है, ये प्लेटफॉर्म पर है, जब ये प्लेटफॉर्म पर होगा तो इसके लिए ये जो ट्री है वो रेस्ट में दिखाई देगा। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टाइप हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। दूसरा टाइप हम बात करेंगे, अगर यही पर्सन इस प्लेटफॉर्म पे ना होकर इस ट्रेन में हो जो कि मूव कर रही है, ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये जो ट्री है बाहर इसको ऑपोजिट साइड जाता हुआ दिखेगा। अगर ट्रेन जो है वो मान लो इस साइड मूव कर रही है या आगे की तरफ मूव कर रही है, तो जो पेड़ है, जो ट्री है, वो पीछे की तरफ मूव करता हुआ इसको दिखाई देगा, लेकिन जो पहले रेस्ट में था अब वही ट्री इसको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, वैसे ही ऑब्जर्वर क्या करता है कि जो रेस्ट में चीज़ उसको दिखती है वो मोशन में दिख सकती है, जो पहले मोशन में थी वो रेस्ट में दिख सकती है। तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं रेस्ट एंड मोशन की, ये दोनों टर्म्स डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है। अ पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट विद रेफरेंस टू एनी अदर पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड इज इन मोशन विद रेफरेंस टू अ पर्सन व्यूइंग हिम फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। अब यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं, पीपल इन द ट्रेन एट रेस्ट फॉर ईच अदर, ये एक दूसरे के लिए रेस्ट में है क्योंकि ये सब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो कि ट्रेन है, ट्रेन के अंदर सबके सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सबके लिए वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम बात करें इस ट्रेन के बाहर की यानी प्लेटफॉर्म की, तो द सेम पीपल इन मोशन फॉर पीपल आउटसाइड द ट्रेन, जो आउटसाइड द ट्रेन पीपल खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए वो जो ट्रेन में बैठे लोग हैं वो क्या है, मोशन में, क्योंकि अगर रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो वो उसके साथ ही वो पीपल जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। तो डिपेंड करता है कि रेस्ट एंड मोशन क्या होगी किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो therefore a person seated in a moving train is at rest in relation to any other person in the same train but is in motion in relation to any other person outside the train। तो डिपेंड करता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े पर्सन के लिए वो क्या होगा और ट्रेन में अंदर बैठे जो लोग हैं उसके लिए क्या होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, मोशन की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है। अभी हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन है तो वो 1D के अंदर जाने वाला है, मतलब वन डायमेंशनल। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशंस। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड डायरेक्शन है, जेड कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि तीनों डायरेक्शंस आपको इस इमेज में दिख रही है, अगर कोई भी पार्टिकल ओनली एक्स एक्सिस पे, ओनली वाई एक्सिस पे या फिर ओनली जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो पार्टिकल होगा मोशन इन वन डायमेंशनल। अगर कोई भी पार्टिकल किसी एक्स वाई, ये मान लो एक्स वाई प्लेन यहाँ बनेगा इन दोनों एक्सिस को जोड़कर, और बन सकता है एक्स एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है या फिर जेड एक्स हो सकता है, यानी एक प्लेन, एक सरफेस या फिर एक एरिया बनाने के लिए हमें दो डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस दो डायमेंशन को मिलाकर जो प्लेन तैयार हो रहा है, जो सरफेस तैयार हो रहा है, जो एरिया तैयार हो रहा है, उसमें अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो टू डायमेंशनल मोशन होगी। उसी तरीके से अगर हम एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन के लिए बात करें, तो तीनों डायरेक्शन को मिलाकर एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। मान लो हमने एक क्यूब लिया है, उस क्यूब में तीनों डायरेक्शंस मिलती है, वो थ्री डायमेंशन होता है। उस वॉल्यूम में अगर कोई भी पार्टिकल कहीं भी मूव करता है तो उसकी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, मोशन इन 3D कहलाएगी।
एज पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में चेंज विद टाइम ड्यू टू चेंज इन वन और टू और ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स, सो वी हैव क्लासिफाइड मोशन एज फॉलोज, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D. अब बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन. यहाँ पर हम विद एग्जाम्पल इसकी बात करेंगे. वेन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी पार्टिकल की पोजिशन स्ट्रेट लाइन पर चेंज होती है तो वो जो है वो मोशन में होगा. कौन सी मोशन में? वन डायमेंशन. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन. एग्जाम्पल है बॉल थ्रोन वर्टिकली. अगर हम वर्टिकली बॉल को थ्रोन करें, फेंक दें, तो वो जो बॉल है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यानी 1D में जा रही है, तो उसकी मोशन होगी वन डायमेंशनल. मोशन इन 1D. मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट रेलवे ट्रैक. अगर कोई भी ट्रेन की अगर बात करें तो वो किसी ट्रैक पर चल रही है. अगर वो किसी एक ही ट्रैक पर स्ट्रेट चल रही है तो उसकी मोशन क्या हो गई? उसकी मोशन हो गई 1D. लेकिन अगर बात करें कि कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन वो जस्ट घूमता हुआ वापस वो सर्किल बना लेता है. मान लो घूमता हुआ अपनी वापस पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, सर्किल बन गया, सर्किल हो गया 2D में. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अगर ट्रेन मान लो या फिर बस मान लो या फिर कोई भी आप ये व्हीकल मान सकते हो, वो क्या काम कर रहा है? वो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है किसी एक ट्रैक पर तो वो उसकी मोशन हो गई 1D. लेकिन अगर वो जिगजैग भी चल रहा है या फिर वो सर्कुलर घूम रहा है तो उसके लिए उसको चाहिए कि 2 डायमेंशन. तब उसकी जो डायमेंशन होगी वो 2D होगी, उसकी मोशन जो होगी वो 2 डायमेंशनल होगी. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. कभी कभी एग्जाम्पल जो आपको दिया जाता है उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो. आप व्हीकल का नाम याद रख के, और व्हीकल अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन आ गई इसका मतलब क्या है? 1D. अगर वो एक सर्किल बना रहा है या फिर जिगजैग चल रहा है, जिगजैग मोशन में है, तब भी उसको 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए वो मोशन जो है वो 1D से 2 डायमेंशनल हो जाती है. तो इस बात को यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना चाहिए. सेकंड एग्जांपल है एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी के अंडर वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, अगर इस पेन को मैं अगर इस तरह से छोड़ दूँ तो ये फ्रीली मूव करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसकी मोशन होगी 1D. नेक्स्ट हम बात करें मोशन इन 2 डायमेंशन. अ पार्टिकल मूविंग अलोंग कर्व्ड पाथ इन अ प्लेन. तो ये जो होगी वो क्या होगी? 2 डायमेंशन होगी. मान लो एक प्लेन है, प्लेन की जहाँ भी बात आ रही है और कर्व्ड पाथ है उसका, कोई भी मान लो पाथ जो वो स्ट्रेट जा रहा था, ये स्ट्रेट पाथ है, लेकिन जैसा ही इसने कर्व लिया वैसे ही वहाँ पर 2 डायमेंशन हो गए. जैसे ही 2 डायमेंशन हुई तो मोशन हो गई 2 डायमेंशन. रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड स्टार. स्टार के अराउंड प्लैनेट का जो रिवोल्यूशन है वो क्या है? मोशन इन 2 डायमेंशन. अब मोशन इन 2 डायमेंशन के और अदर एग्जांपल्स हम देखते हैं. मोशन ऑफ क्वीन ऑन कैरम बोर्ड. अब कैरम बोर्ड में हम खेलते हैं, जो भी हम ये क्वीन चलाते हैं यहाँ पर या फिर कोई और जो डाइस है वो चलाते हैं. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम जो भी ये खेल खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ये किस में है? सिर्फ एक प्लेन में है. वो कैरम क्या है? एक प्लेन है. तो प्लेन में जितने भी मोशन हो रही है यहाँ पर वो सारे के सारे 2 डायमेंशनल है. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम. तो कोई भी इंसेक्ट, एक कीड़ा जो मकोड़ा होता है, वो अगर रूम में घूम रहा है तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? 2 डायमेंशनल होगी. क्यों? क्योंकि अपना जो सरफेस, अपना जो फ्लोर है वो क्या क्या है? वो 2D में है. वो कोई 3D नहीं है, वो 1D नहीं है. और जो भी इंसेक्ट है वो कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, वो घूम रहा है वहाँ पे. तो घूमने का मतलब क्या है? प्लेन में घूम रहा है. 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी इसलिए वो क्या हो गया? 2D हो गया. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स एटसेट्रा. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्किल. अगर हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की बात करें, मान लो ओनली हम सर्किल हटा रहे हैं वहाँ से, ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तब तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी, चाहे से वो वर्टिकल हो रही हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो रही हो. लेकिन उसने क्या कहा है? सर्कल्स कहा है. सर्कल का मतलब क्या है? 2 डायमेंशन को बना के एक सर्कल बनता है. तो अगर हॉरिजॉन्टली इस तरह से अगर मोशन में है कोई भी पार्टिकल या फिर वर्टिकली मोशन में है लेकिन वो एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, वो कोई एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो सर्किल कंप्लीट कर रहा है, तो वो मोशन होगी उसकी 2 डायमेंशनल.
नेक्स्ट हम बात करें मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड जो भी प्लैनेट मोशन में है वो क्या होंगी, 2D में होंगे। अ कार मूविंग अलोंग zigzag पाथ ऑन द लेवल रोड। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ट्रेन स्ट्रेट लाइन में जा रही है तब तो वो होगा 1D, लेकिन अगर वो zigzag में जा रही है या फिर वो अपनी जगह से घूम के वापस एक सर्किल बना रही है तब भी क्या होगा, वो 2D। तो यहाँ पर कोई कार है वो zigzag मोशन में है, zigzag पाथ में है, तो क्या होगा, उसकी जो मोशन होगी वो 2D में होगी। नेक्स्ट हम बात करें मोशन इन 3D। तो अ पार्टिकल मूविंग इन स्पेस इज कॉल्ड 3D मोशन। तो स्पेस का मतलब क्या है, तीनों डायरेक्शंस आ गई वहाँ पे, x, y एंड z। तो तीनों डायरेक्शन को मिला के वॉल्यूम क्रिएट होता है। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की तो वहाँ पर उसकी लेंथ देखी जाती है। अगर हम बात करें किसी प्लेन की तो वहाँ पर उसका एरिया देखा जाता है। अगर बात करें हम स्पेस की तो स्पेस में तीनों डायरेक्शन आ गई, वहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। लाइक आप क्यूब मान लीजिए, तो क्यूब में किसी भी पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा, जो मोशन होगी, वो कहलाएगी मोशन इन 3D। अब एग्जाम्पल है यहाँ पर काइट फ्लाइंग ऑन द विंडी डे। तो कोई भी काइट अगर हम पतंग उड़ाते हैं तो वो स्पेस में, वो एक खुले आकाश में उड़ रही है, वो कोई एक स्ट्रेट लाइन में नहीं उड़ रही है, वो किसी प्लेन में नहीं उड़ रही है, उसकी जहां मर्जी है वो हवा के अकॉर्डिंग कहीं भी जा सकती है। इसका मतलब क्या है, स्पेस में तीनों डायमेंशन में वो उड़ सकती है, तो इसका मतलब वो 3D मोशन में है। अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, जैसे काइट, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल की जो भी रैंडम मोशन है वो क्या है, सब 3D में है, वो स्पेस में है। मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, तो स्पेस में एरोप्लेन की जो मोशन होगी वो भी क्या होगी, जहाँ पर भी आपको स्पेस वर्ड दिख जाए या फिर स्काई दिख जाए, जहाँ पर आप तीन डायमेंशन को कंसिडर कर सकते हो, तो वहाँ पर जो भी मोशन होगी वो क्या होगी, 3D में मोशन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ये जो रेड मार्क्ड आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इन पर आपको फोकस करना है। एक्चुअल पाथ आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो डिस्टेंस है। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है इसका मतलब क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर उसको अपन शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ टेकन टू गो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक सोर्स से या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन यानी एंडिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए जितने भी पाथ चेंज हुए हैं उन सबका टोटल होगा, यानी एक्चुअल पाथ। मान लो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं हो रही है, कोई zigzag पाथ बन रहा है या कोई कर्व्ड पाथ बन रहा है, किधर से भी होकर वो रास्ता गुजर रहा है, एंडिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है। मान लो मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई वापस बैक गई, तो वो बैक जाने वाली जो लेंथ है वो भी इसमें ऐड होगा। तो जो एक्चुअल पाथ है उसने कितना ट्रैवल किया किसी भी पार्टिकल ने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, वो एक्चुअल पाथ होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सोर्स टू डेस्टिनेशन, और इन अदर वर्ड्स द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर हम यहाँ पर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक आता है, मान लो वो पहले यहाँ तक आया है, बैक गया है, फिर वापस आया है, फिर बैक गया है, फिर वापस आया है, तो एक्चुअल पाथ में वो जो बैक पोजीशन है, जो बैक लेंथ है, वो भी ऐड होती है। मान लो 5 मीटर आया, बैक गया 4 मीटर एंड वापस आ रहा है, तो इसमें वो सारी जो भी कैलकुलेशन है वो ऐड होती जाती है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट की, तो मोशन स्टार्ट करके अगर वो यहाँ तक जाके वापस आ जाता है उसी पॉइंट पर, तो इसमें शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो क्या रह गया। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पर, उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई भी पार्टिकल, दो अपन मान लेते हैं, दो रास्ते हैं, एक तो कर्व्ड पाथ है और एक ये वाला स्ट्रेट लाइन है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये जो कर्व्ड पाथ है ये तो आपका होगा डिस्टेंस, क्योंकि इसने एक्चुअल पाथ ये क्रिएट किया है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ए एंड बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर एक स्ट्रेट लाइन, जो मिनिमम
लेंथ अपन बोल सकते हैं मिनिमम। तो मिनिमम क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ी सी भी अगर कर्व्ड हो जाएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, थोड़ी सी भी अगर मुड़ गई तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होगी एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन और यहाँ ख़त्म कर रहा है तब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लाइन। लेकिन अगर वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि उसने यहीं से ही स्टार्ट किया था, यहीं पर ही एंड कर रहा है, तो दो पॉइंट्स तो उसे मिले ही नहीं। अगर दो पॉइंट्स उसे मिलते तब जाके शॉर्टेस्ट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन बनती। अगर वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहीं पर ख़त्म कर रहा है तो वो तो एक ही पॉइंट हो गया, दो पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। लेकिन वो घूम के कितना उसने ट्रैवल किया, वो ट्रैवलिंग जो पाथ है वो होता है डिस्टेंस। तो ये बात आपको क्लियर करनी है, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम बी टू डी, यहाँ पर आपको दिख रहा है बी टू डी जा रहा है। अब दो रास्ते हैं बी टू डी जाने के, एक तो ये वाला रास्ता है शॉर्टेस्ट पाथ और एक ये कर्व्ड पाथ है, तो कर्व्ड पाथ से भी जा सकता है एंड बी टू डी, एक ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है सर्किल का उससे भी वो जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए, बी से स्टार्ट किया, डी पर उसने एंड किया है, तो बी डी के बीच में जो मिनिमम पाथ है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा जो कि सर्कल का डायमीटर है। अगर हम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर कंसिडर कर लें तो 2R इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये हो गया बी डी, ये वाला जो पाथ है उसका जो डायमीटर है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें बी टू डी, ये जो कर्व्ड पाथ आपको दिख रहा है, ये जो कर्व्ड पाथ आपको दिख रहा है, ये होगा डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एक्चुअल पाथ तो यही है बी टू डी जाने का, शॉर्टेस्ट हमने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, तो इसके अलावा दूसरा जो पाथ होगा कर्व्ड पाथ वो होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम अगर कैलकुलेट करके लिखना चाहें, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को 2R लिखा जो कि डायमीटर है सर्किल का, उसी तरीके से ये जो सर्क्यूमफेरेंस होती है सर्किल की वो क्या होती है, 2πR होती है। अगर हमें B टू D जाना है, अब क्योंकि ये एक सेमी सर्किल है, क्या है, ये हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल के लिए 2πR का अगर हम हाफ कर दें तो πR बचता है। ये जो πR होगा ये क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगी। तो ये इस एग्जांपल से आपको और अच्छा क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में ज़ीरो हो सकता है, तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा तो दिया था, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, रोहित एंड सीमा बोथ स्टार्ट फ्रॉम देयर हाउस, उसने उन दोनों ने क्या किया, अपने घर से स्टार्ट किया मोशन करना। रोहित वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट वाइल सीमा वॉक 1 किलोमीटर टू द वेस्ट एंड देन टर्न्स बैक एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। तो रोहित ने क्या किया, 2 किलोमीटर का वॉक किया ईस्ट में, लेकिन सीमा ने क्या किया, वेस्ट में 1 किलोमीटर का वॉक करके वापस वो लौट आई, वो टर्न बैक आ गई और 1 किलोमीटर उसने मोशन किया। इसका मतलब क्या है, घर से उसने स्टार्ट किया मोशन करना और वो 1 किलोमीटर जाके बैक आ गई, यानी वो वापस घर पर पहुंच गई। लेकिन रोहित क्या है, रोहित अभी 2 किलोमीटर की पोजिशन पर यहाँ पर है। तो अब बात आती है कि दिस इज बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन इन डिफरेंस। देखो यहाँ पर बात आती है, सीमा इज बैक होम एंड हर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, क्योंकि वो बैक आ गई है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, इसकी बात की गई है। यू रिक्वायर बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टू द टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करने के लिए आपको डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी हुई, देखो सीमा ने क्या किया, 1 किलोमीटर जाकर वो 1 किलोमीटर बैक आ गई, तो डिस्टेंस एक बार 1 किलोमीटर है, लेकिन बैक आने पर वही डिस्टेंस क्या हो गई, माइनस में हो गई, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन आ रही है। देखो डायरेक्शन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जो 1 किलोमीटर पॉजिटिव था वही 1 किलोमीटर जो है वो नेगेटिव हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया, जीरो। इस वजह से कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस पे और एक डायरेक्शन पे। डिस्टेंस के साथ उसके डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ आपको एक बात और क्लियर हो गई होगी कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि
डिस्टेंस पे एंड डायरेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड होने के कारण वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें एक फिक्स डायरेक्शन रहती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो पाथ बनता है मिनिमम शॉर्टेस्ट, वही डिस्प्लेसमेंट है, यानी वहाँ पर एक फिक्स डायरेक्शन रहती है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में कर्व्ड पाथ भी हो सकता है। तो कर्व्ड पाथ में क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई जो डायरेक्शन है वो एक नई डायरेक्शन आएगी। मान लो कर्व्ड पाथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो एक डायरेक्शन ये हो गई, जैसे ही मूव हुआ यहाँ पर टर्न हुआ वैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस में डायरेक्शन रहती तो है लेकिन कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होने के कारण डिस्टेंस जो क्वांटिटी है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट में एक फिक्स डायरेक्शन होने के कारण डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि दोनों के अंदर आप कितने डिफरेंसेस बता सकते हो, आप बताइए। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन, यहाँ पर एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द फाइनल पोजिशन। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। सेकंड, अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, जितने भी उसने पाथ कवर किए हैं वो सारी एक साथ ऐड हो जाती है, यानी पॉजिटिव इसका मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव अगर एक ही वो लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, वो बैक नहीं आया है, तो उसका जो वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो बैक आ गया है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एंड किया है उसने, तब वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर बात आए कि वो उससे भी बैक चला जाए, तो जो इसमें यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन बात करें स्केलर एंड वेक्टर की, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट आप कर लीजिएगा। फर्स्ट हम बात करें द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस तो हो सकती है लेकिन कैसी, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस की तो वो बोला जा सकता है। हाउएवर इट कैन बी सो इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ये कब हो सकता है, जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक फिक्स डायरेक्शन है और स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, तब डिस्टेंस को क्या बोला जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है। एंड जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। अब डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है जीरो के, यानी हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट डिस्प्लेसमेंट ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है और जीरो से लेस देन भी हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव, इक्वल एंड नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड व्हाइल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ एंड सो कैन हैव मेनी वैल्यूज। देखो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है, तो पाथ जब भी चेंज होगा, जब भी डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसमें जितनी भी वैल्यूज है वो सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी ये सिंगल वैल्यूड नहीं होता, मैनी वैल्यूज इसकी हो सकती है। लेकिन बात करें एक डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रहती है, इसलिए कहा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सिंगल वैल्यूड रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो मैनी वैल्यूज उसकी रहेगी, बहुत सारी वैल्यूज रह सकती है। फोर्थ हम बात करें फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज
with time, while displacement can. Decrease in displacement with time means body is moving towards the initial position. यानी इनिशियल पोजीशन क्या थी, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है और इस तरफ ये फाइनल पोजीशन जा रही है, लेकिन वही पार्टिकल जब इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो और उसके भी टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन रहेगा, तब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. स्पेशल केसेस डिस्प्लेसमेंट, केसेस ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट. देखो जीरो डिस्प्लेसमेंट किन केसेस में हो सकता है, इफ़ अ बॉडी travels in such a way that it comes back to its starting position. Starting position पे वापस आ जाती है तो zero displacement होगा, then the displacement is zero. However, distance traveled is never zero. Distance जो होगी वो कभी भी zero नहीं होती है. When an object remains stationary or it moves first towards right and then an equal distance towards left, its displacement is zero. एंड सर्कुलर मोशन में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा. तो ये दो कंडीशन या फिर दो केसेस दे रखे हैं जिनमें हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो रख सकते हैं. सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एंडिंग जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट होता है, वही वापस वहाँ से स्टार्ट होता है पार्टिकल मूव करना, वहाँ पर एंड करता है. तो पॉइंट एक होने के कारण, दो पॉइंट्स नहीं मिलने के कारण कोई भी एक स्ट्रेट पाथ दोनों के बीच में नहीं बनता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगी जीरो. अब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन की. मोशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्या है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, उनके ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. द मोशन इन विच द बॉडी मूव्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर कॉन्स्टेंट स्पीड में है एंड हैज जीरो एक्सीलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. देखो एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, लेकिन स्पीड उसकी कैसी है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा. Examples of uniform motion: car going along a straight road at a constant speed, तो ये uniform motion होगी. The train going along the tracks at a constant speed. The movement of the fan, fan का जो movement है उसमें acceleration zero रहता है and जो speed होती है उसकी constant रहती है. ऐसा नहीं है कि कभी, जैसे मान लो रेगुलेटर है तो उसमें हम फिक्स करते हैं कि एक नंबर पे चल सकता है, दो पे चल सकता है, तीन पे चल सकता है, लेकिन फिक्स करने के बाद अपने आप तो वो अपनी स्पीड कम ज़्यादा नहीं करता. मान लो वो तीन पे चल रहा है फैन या फिर सेवन नंबर पे चल रहा है, तो वो जितनी स्पीड उसकी है उतनी ही स्पीड में वो पूरे दिन मूव करता रहेगा, जब तक उसकी जो रेगुलेटर है उसमें उसकी जो पोजिशन है वो चेंज नहीं की जा सकती. मान लो उसको सिक्स पे कर दिया तो वो वही चलता रहेगा, जब तक उसको चेंज नहीं किया जा रहा तब तक उसकी स्पीड जो वो कांस्टेंट रहेगी, वो अपने आप कम या ज़्यादा नहीं हो सकती जब तक एक्सटर्नल उस पर हम कोई वर्क अप्लाई ना करें. तो ये जो मोशन होगी वो क्या होगी, उसकी यूनिफॉर्म मोशन होगी. वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इन अ स्विंग मशीन, जो स्विंग मशीन है उसमें जो जो वाइब्रेटिंग है, स्प्रिंग जो है वाइब्रेट होती है, वो भी कैसे होती है, यूनिफॉर्म मोशन में होती है. कूलिंग फैन रनिंग एट अ फिक्स्ड स्पीड, तो ये भी क्या होगा, फिक्स्ड स्पीड में होगा. वॉट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच द बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड, मतलब यहाँ पर स्पीड जो वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, अब वो चेंज होती रहेगी. एंड द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मूवमेंट ऑफ एन एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड का जो मूवमेंट होगा उसमें जो उसकी स्पीड है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है. तो एस्टेरॉयड क्या है, हर जगह स्पेस में मूव करते रहते हैं, उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगी, तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. कार कमिंग टू अ हॉल्ट, अ बाउंसिंग बॉल, द ट्रेन कमिंग टू इट्स टर्मिनेटिंग स्टॉप. देखो बाउंसिंग बॉल में भी हम अगर बॉल को बाउंस करवाते हैं तो पहले तो वो कुछ हाइट तक कुछ लेगी, फिर वो डाउन हो जाएगी, कुछ कम हाइट तक कुछ लेगी, फिर वो धीरे धीरे करके रुक जाएगी. यानी जो उसकी स्पीड थी वो कांस्टेंट नहीं थी, एक्सेलरेशन जो है वो उसका जीरो नहीं था, तो ये जो उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होने के कारण नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा. द ट्रेन कमिंग टू इट्स टर्मिनेटिंग स्टॉप, ड्रैगिंग अ बॉक्स फ्रॉम अ रफ सरफेस, अ हॉर्स रनिंग इन अ रेस, बस ऑन इट्स वे. तो ये सारे के सारे क्या है, जिसके अंदर स्पीड जो है वो इनके कॉन्स्टेंट नहीं है, तो स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा. तो यहाँ हम अगर बात करें मोशन एंड नॉन मोशन की, तो वो होती है टू टाइप्स की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म विद एग्जाम्पल्स.
बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे है आपके पास, तो आप कोई भी एग्जांपल्स लेके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। यूनिफॉर्म मोशन इम्प्लाइज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्टेडी स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड रहेगी वो स्टेडी रहेगी, वो कॉन्स्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एल्यूड्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल स्पीड। यहाँ पर स्पीड जो रहेगी वो वेरिएबल रहेगी। कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में होगी। कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इट्स सिमिलर टू एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल स्पीड रहेगी। इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन। इसमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं स्पीड में, ना ही जो एक्सेलरेशन। देखो डिस्टेंस एंड टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ये एक स्पीड होती है। तो स्पीड जो है वो क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ कर्व्ड लाइन। यहाँ पर जो लाइन रहेगी वो कर्व्ड लाइन रहेगी। एंड इसमें जीरो एक्सेलरेशन रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म में नॉन जीरो एक्सेलरेशन रहता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ्स। देखिए यहाँ पर हम दो ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही कैसे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये टाइम दिख रहा है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, और अगर चेंज आ रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम में, तो ये दोनों ही क्या होंगे, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स होंगे। यहाँ पर है डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो डिस्टेंस एंड टाइम दोनों ये जो ग्राफ्स होंगे वो कर्व्ड ग्राफ होंगे। यहाँ भी आपको कर्व्ड ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ है वो भी एक कर्व्ड ग्राफ है। तो अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम का जो इंटरवल होगा वो तो इक्वल होगा, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, अनइक्वल होगी। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है वो इंक्रीजिंग पोजिशन में, ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ वो इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड वाले ग्राफ की, इसमें है अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर जो मोशन है वो डिक्रीजिंग है, वो इस तरह से डिक्रीज होकर आ रही है। तो ये दोनों जो ग्राफ्स थे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के थे। उम्मीद करती हूँ आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे फैक्ट्स हमने पढ़े हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो भी इसके लिए आपको डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।